पूरी दुनिया की सबसे लग्जूरियस सिटी दुबई। जिसने और भी ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए दुबई अर्बन टेक डिस्ट्रिक्ट, बुर्ज भिंगाटी, डाउनटाउन प्रोजेक्ट, दुबई रीफ और दुबई मून जैसे कई और नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज जो शहर अपने लग्जूरियस आर्किटेक्ट और अनोखी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है, वहाँ आज से कुछ दशकों पहले ही सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था और वहाँ रहने वाले बेडोइंस सिर्फ मछली पकड़कर और समंदर से मोती निकालकर गुजारा किया करते थे, जो इतनी जल्दी ही ये सिर्फ बंजर रेगिस्तान से दुनिया का सबसे आलीशान शहर बन गया। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई के इतिहास के बारे में। दुबई एक्चुअली में इस टाइम पर एक शहर है एमिरेट्स ऑफ दुबई नाम के एक किंगडम में, जो कि UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नाम की कंट्री में मौजूद है। लेकिन आज से काफी साल पहले इस जगह पर किंगडम ऑफ दुबई नाम की भी जगह नहीं थी और ये हिस्सा भी एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी के अंडर ही आता था और इस जगह पर कुछ मछुआरे रहा करते थे जो मछली पकड़कर और समुंदर से मोती निकालकर बेचते थे। लेकिन क्योंकि दुबई की लोकेशन समुद्री तट पर थी, इसलिए अक्सर वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ से ही ट्रेडर्स वहाँ आते जाते रहते थे। इसीलिए एयर 1590 में एक इटालियन पर मर्चेंट गैस्पारो बेल्बी ने अपने रिकॉर्ड में दुबई नाम की एक जगह का जिक्र किया जहां के मोती बेहतरीन क्वालिटी के हुआ करते थे। इसके बाद एयर 1833 में बनी यास ट्राइब के एक डिसेंडेंट मखतूम बिन बुट्टी दुबई को अबू धाबी के किंगडम से अलग करते हैं और अपना नया किंगडम एमिरेट ऑफ दुबई की स्थापना करते हैं। इसी वजह से इनको दुबई का फाउंडर भी माना जाता है। जिसके बाद एयर 1853 में ब्रिटिशर्स मिडिल ईस्ट में सभी किंगडम के साथ एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन करते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट ब्रिटिशर के वेस्ट से ईस्ट जाने का एक ट्रेड राउट था और इस रीजन में अक्सर ब्रिटिश कॉन्वॉय के साथ लूटपाट हो जाती थी। हालांकि उस टाइम पर ब्रिटिश का कंट्रोल पूरे वर्ल्ड में था, लेकिन इस ट्रूस एग्रीमेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने मिडिल ईस्टर्न किंग्स से ये एग्रीमेंट किया कि वो इस रीजन में कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले मिडिल ईस्ट किंगडम को ब्रिटिशर्स के कॉन्वॉयस को सेफली उनके रीजन से गुजरने देना होगा। जिसके बाद साल 1892 में दुबई के शेख मखतूम ब्रिटिशर्स के साथ एक और बिजनेस डील साइन करते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स दुबई को प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन इसके एक्सचेंज में कि ब्रिटिशर्स के सारे ट्रेड को दुबई के अंदर पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। और इस एग्रीमेंट के बाद ब्रिटिशर्स दुबई के पोर्ट पर अपने ट्रेड शिप लाने लगते हैं और इसको देखकर आसपास जगहों के ट्रेडर्स दुबई के पास ट्रेडिंग के लिए आना शुरू करते हैं और कुछ वक्त के अंदर ही दुबई में ट्रेडिंग फलने फूलने लगती है और दुबई पूरी दुनिया में समुद्री मोती का एक हब बन जाता है। और साल 1912 में सईद बिन मखतूम बिन हशर अल मखतूम दुबई के नए रूलर बनते हैं, जिन्हें लोग फादर ऑफ दुबई के नाम से भी जानते हैं। साल 1929 के टाइम पूरी दुनिया में डिप्रेशन चल रहा था, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में दुबई के मोती या पर्ल्स की डिमांड काफी घटने लगती है और लोग आर्टिफिशियल पर्ल्स खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे थे क्योंकि वो ओरिजिनल मोतियों के मुकाबले सस्ते थे। इसी वजह से उस टाइम पर शेख दुबई में री एक्सपोर्ट करने का फैसला करते हैं, जहां पर वो ब्रिटेन के टैक्स फ्री इम्पोर्टेड सामान को दूसरे देशों में री एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं और शेख का ये फैसला दुबई की इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। लेकिन साल 1945 में दुबई और अबू धाबी के बीच अपने बॉर्डर को लेकर कंफ्लिक्ट छिड़ जाता है और ब्रिटेन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद ही दोनों किंगडम के बीच टेम्परेरी सुलह हो पाती है। जिसके बाद साल 1966 दुबई के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जब इस साल दुबई की फतेह फील्ड में ऑयल की डिस्कवरी होती है और ऑयल की डिस्कवरी के बाद उसकी ड्रिलिंग का प्रोसेस शुरू किया जाता है और साल 1969 तक दुबई अपना ऑयल का पहला शिपमेंट तैयार कर लेता है। आगे यही ऑयल ही दुबई की ग्रोथ और एक्सपेंशन में एक अहम रोल प्ले करता है। जिसके बाद एयर 1971 में ब्रिटेन गल्फ कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अपनी आर्मी पर खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। ब्रिटेन के गल्फ कंट्री छोड़ने के बाद दुबई, अबू धाबी, अजमन, फुजारा, रस अल खैमन, शारजा और उम्म अल क्वैन जैसे 7 किंगडम मिलकर UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट कंट्री बनाते हैं, जिसमें से दुबई और अबू धाबी ही सिर्फ
ऐसी किंगडम थी जिनके पास यूएई की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की पावर थी, जिसके बाद साल 1979 में दुबई में जबल अली फ्री जोन बनाया जाता है। जबल अली दुबई का फ्री इकोनॉमिक जोन था, जहां पर बिना किसी भी रिस्ट्रिक्शन के कंपनीज लेबर इंपोर्ट या कैपिटल एक्सपोर्ट कर सकती थी। दुबई के जबल अली जोन बनाने के बाद काफी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज ने अपने वेयर हाउसेस और इंडस्ट्रीज यहीं शिफ्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ दुबई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी, बल्कि दुबई का ये स्टेप उसकी इकोनॉमी के लिए काफी बेहतर डिसीजन साबित हुआ। इसके अलावा शेख राशिद काफी ज्यादा पैसा दुबई के एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि दुबई एक ट्रांजिट पॉइंट बन सके और दुनिया भर की फ्लाइट दुबई होकर जाए। शेख का ये डिसीजन भी दुबई के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है और आज भी लोग दुबई को वीजा फ्री ट्रांजिट पॉइंट या कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद 1990s के पीरियड में शेख राशिद अल मख्तूम की डेथ के बाद दुबई के नए रूलर बनते हैं उनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। मोहम्मद बिन राशिद दुबई के लिए काफी ज्यादा विजनरी लीडर साबित होते हैं और वो सत्ता संभालते ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में काम करवाना शुरू करते हैं। और क्योंकि दुबई के लॉ के हिसाब से दुबई में जितने भी अनडेवलप्ड लैंड है वो दुबई के रूलिंग फैमिली ही ओन करती है, इसलिए मोहम्मद बिन राशिद ने उस लैंड पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया। क्योंकि शेख राशिद ये जानते थे कि दुबई की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर ज्यादा दिन के लिए डिपेंड नहीं कर सकती, क्योंकि दुबई में ऑयल की तो डिस्कवरी हुई थी पर फिर भी ऑयल की मात्रा दुबई में उनके नेबरिंग कंट्रीज से काफी कम थी। इस वजह से अगर आज आप देखें तो दुबई की टोटल जीडीपी में ऑयल सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करता है। इस वजह से शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एयर 1999 में $1 बिलियन की लागत में बना दुनिया का एकलौता 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनवाया। ये होटल लगभग 689 फीट ऊंचा था, जो इसे उस टाइम का सबसे ज्यादा ऊंचा होटल बनाता है। इसके अलावा भी दुबई में कई और लग्जरी होटल बनाए जाते हैं, जिसके बाद दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री भी फलने फूलने लगती है। और टूरिज्म सेक्टर का पोटेंशियल देखने के बाद दुबई गवर्नमेंट साल 2004 में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनवाने का फैसला करती है। बुर्ज खलीफा का नाम यूएई के सेकंड प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान के ऑनर में रखा जाता है। रेगिस्तान के अंदर जहां पर छोटी मोटी बिल्डिंग बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए दुबई ने दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, इसीलिए इसके कंस्ट्रक्शन का मेन कॉन्ट्रैक्ट सैमसंग कंपनी को मिलता है। इसके अलावा भी शेख ने दुबई में पाम आइलैंड और वर्ल्ड आइलैंड जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाए, ताकि उस पे लग्जरी रेजिडेंट्स और रिजॉर्ट बनाए जा सके। इसके अलावा भी दुबई ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, जैसे कि दुबई फ्रेम, दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू, दुबई फाउंटेन, दुबई मॉल और फरारी वर्ल्ड जैसी जगहें, जो कि आज इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए एक बड़े अट्रैक्शंस हैं, जो न सिर्फ दुबई को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं बल्कि दुबई को और देशों से अलग बनाते हैं। पर ऐसा नहीं था कि दुबई सिर्फ यहीं पर रुक गया, बल्कि दुबई हमेशा से ही अपने फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब बाकी यूएई के किंग्स ऑयल से कमाए पैसों से महंगे महंगे महल तैयार कर रहे थे, उस टाइम पर शेख ने अपनी सूझबूझ से काफी पैसा टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, वो भी तब जब टूरिज्म काफी ज्यादा छोटी इंडस्ट्री थी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो आज भी दुबई एक से बढ़कर एक इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि साल 2022 में यूएई गवर्नमेंट ने म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नाम की फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, जो कि पूरी तरह क्लीन एनर्जी पर चलती है। इसके अलावा दुबई ने 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करके एक मून शेप लग्जरी रिजॉर्ट बनाने की तैयारी कर ली है। और तो और दुबई बुर्ज खलीफा के पास के एरिया को और फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने वहां डाउनटाउन प्रोजेक्ट के अंडर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर पर भी काम करना शुरू कर दिया है। और तो और ओशन के अंदर रेजिडेंशियल हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटी बनाने का भी फैसला किया है। और इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम दुबई ने रखा है दुबई रीफ प्रोजेक्ट, जो कि पूरी तरह से ग्रीन इनिशिएटिव और रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होगा और साथ ही मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए भी काम करेगा। इसके अलावा दुबई इस प्रोजेक्ट में 100 मिलियन से भी ज्यादा मैंग्रोव ट्रीज और 1 बिलियन कोरल भी
प्लांट करेगा। तो मेरे हिसाब से दुबई के प्रेजेंट के साथ साथ उसका फ्यूचर भी काफी मजबूत होने वाला है। तो अब बस ये देखना है कि दुबई आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी कौन सी सबसे पसंदीदा चीज है दुबई की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।